नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट तो आपने एक से बढ़कर एक देखे होंगे। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने चावल के दाने पे एक बहुत ही सुंदर आकृति बना दी, या ऐसा आर्टिस्ट जिसने पेंसिल के नोकी पे, जो खुद इतना छोटा होता है, बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देता है। परंतु आज मैं आपको जिस आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो इन सबसे अलग है, एकदम विचित्र और अनोखा आर्टिस्ट है। जी हाँ, उसके लिए उसने किसी पेंसिल या कलम का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही इसमें किसी कलर का इस्तेमाल करता है। ये आर्टिस्ट बस सिर्फ एक हथौड़े से कांच पर वार करके बहुत ही सुंदर आकृति को उकेड़ देता है। इनका नाम है सिमोन बर्जर। जी हाँ, सिमोन बर्जर एक स्विस आर्टिस्ट है और कांच पे वार करके हथौड़े से बहुत ही सुंदर आकृति बनाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से ये काम करते हैं कि कांच टूटे नहीं। उनका ऐसा मानना था कि कांच अभी तक किसी का भी कैनवस नहीं हुआ है और कोई भी उस पे आर्टिस्ट काम नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने सबसे हटकर एक अलग आर्ट चुनी और ये आर्ट धीरे धीरे इतना फेमस हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है जब वो आर्ट बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी एक और खास बात है कि आप उसे कभी भी बेहद करीब से नहीं देख पाएंगे। बेहद करीब से देखने पे ये सिर्फ एक टूटा हुआ कांच जैसा ही लगेगा और कुछ नहीं, पर जैसे जैसे आप उसके पीछे जाते जाएंगे और उस इमेज से दूर जाते जाएंगे, वो आपको पूरा अच्छा से क्लियर होता जाएगा और देखने में तब पता चलेगा कि कितना सुंदर ड्राइंग बना है। ये आर्टिस्ट तब अपने हाईलाइट में आया था जबकि एक फ्रंट ग्लास होता है ना, उस पर वे कारीगरी कर रहे थे और वो गलती से टूट गया और किसी ने उसका क्लिप लेके, वीडियो लेके बना के डाल दिया था इंस्टाग्राम पे, और तब से ये आर्टिस्ट एकदम फेमस हो गया है और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई है। जब भी कला की बात होती है, बिहार कभी भी इसमें पीछे नहीं रहता है। चाहे वो कोई भी कला हो, बिहार हमेशा ही उसमें अपना हुनर दिखाता ही है। और इसमें भी, यानी कि कांच आर्टिस्ट में भी, हमारा बिहार में एक आर्टिस्ट है शुभम। शुभम ने सिमोन से प्रेरित होकर ये हथौड़ा उठा लिया और उस हथौड़े से वार करके कांच पे वे भी बहुत ही सुंदर आकृति बनाने लगे। दोस्तों, शुभम NIFT पटना से पास आउट है और कांच पे आकृति बनाने में बहुत ही माहिर है। वे विभिन्न पदों पे काम कर चुके हैं बिहार में और अभी वे बिहार में राज्य सरकार के लिए एक बहुत ही सुंदर आकृति बना रहे हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के रेगुलर अपडेट मैं आपको देता रहूंगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।